Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English. So please take Marvel Semester Series Book 2 and turn to page 33. यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कलरिंग इज फन. यहाँ पे लिखा हुआ है कलरिंग दिस गार्लैंड. तो यहाँ पे हमें ये पिक्चर दिया है, अब हम इसमें कलरिंग करेंगे. तो पहले आपको जो भी दो कलर अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं. मैं यहाँ पे मेरे क्रेयॉन बॉक्स में से येलो कलर और रेड कलर ले रही हूँ. अब बच्चों यहाँ पे मैं येलो कलर करूंगी. ये फ्लावर्स है तो यहाँ पे येलो कलर. आपको जो भी कलर अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं. हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर के बाहर कलर जाने देना नहीं है. और धीरे धीरे कलर करना है. बहुत ही केयरफुली यहाँ पे हमें कलरिंग करना है. यहाँ पे हमने येलो कलर किया. अब यहाँ पे जो बीच में सर्कल है उसमें मैं रेड कलर करूंगी. तो बच्चों ये हमने फ्लावर में कलर किया. अच्छा लग रहा है ना? आप सबको भी कलर करने में बहुत मजा आएगा. तो बहुत ही ध्यान से और केयरफुली हमें यहाँ पे जो सभी फ्लावर्स दिए हैं उनमें कलर करना है और गार्लैंड का ये जो पिक्चर है उसे कंप्लीट करना है. यहाँ पे अब ये रेड कलर भी हो गया. तो बच्चों यहाँ पे ऐसे ही हमें येलो और रेड कलर करना है और ये यहाँ पे पिक्चर कंप्लीट करना है. हमने कौन कौन से कलर किए? येलो और रेड. अब हम पेज टर्न करेंगे. पेज नंबर 31, 34 ओपन करेंगे. यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस राइटिंग द लेटर स्मॉल आई ऑन दिस पेज. यहाँ पे ये किसका पिक्चर है? इंक पॉट का. तो बच्चों हम यहाँ पे स्मॉल आई करने वाले हैं. पहले यहाँ पे स्मॉल आई की दो लाइन है, उसे हमें ट्रेस करना है. तो स्मॉल आई कैसे होता है? पहले यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन है, वहां पे हम पहले ब्लू लाइन से स्टैंडिंग लाइन और सेकेंड ब्लू लाइन पे छोटा सा कर्व और ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट. ये क्या हुआ? स्मॉल आई. अगेन स्मॉल आई जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में ही होता है, ये ध्यान रखना.
पहले ये फर्स्ट ब्लू लाइन से स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट और सेकंड ब्लू लाइन पे छोटा सा कर्व और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट, ये हुआ स्मॉल आई। बच्चों स्मॉल आई है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ब्लू लाइन के बीच में ही होता है। आपको लिखना है और साथ में बोलना भी है, आई फॉर इंक पॉट। तो अब हम यहाँ पे ये लास्ट लाइन करेंगे। हमें स्मॉल आई कैसे करना है, फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में। पहले फर्स्ट लाइन से या सेंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे और सेकेंड ब्लू लाइन पे छोटा सा कर्व और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट, ये हुआ स्मॉल आई, आई फॉर इंक पॉट। तो ये पेज कंप्लीट हुआ। अब हम पेज नंबर 35 करेंगे। यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस राइटिंग द लेटर स्मॉल जे ऑन दिस पेज। अब हम यहाँ पे स्मॉल जे करेंगे। यहाँ पे ये किसका पिक्चर है, जग का, जे फॉर जग। तो पहले हम स्मॉल जे की दो लाइन ट्रेस करेंगे। स्मॉल जे कैसे होता है, फर्स्ट ब्लू लाइन से हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे और नीचे की रेड लाइन पे छोटा सा कर्व और फर्स्ट ब्लू लाइन है उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट, ये हो गया स्मॉल जे। जे फॉर जग। बच्चों आपको यहाँ पे बोलना है और लिखना भी है। स्मॉल जे कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन से हम स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे और नीचे की रेड लाइन पे छोटा सा कर्व और फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट, जे फॉर जग। तो अब हम यहाँ पे लास्ट लाइन करेंगे, जे फॉर जग। ब्लू लाइन से स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, नीचे रेड लाइन पे छोटा सा कर्व और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट, ये क्या बना बच्चों, स्मॉल जे, जे फॉर जग। तो ऐसे ही हमें ये पेज भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे इंग्लिश क्लास वर्क बुक, फिर बुक ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने स्मॉल एज का पेज किया था। अब हम दूसरा पेज लेंगे, फिर यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट स्मॉल आई। मम्मी को बोलना ऐसे ही आपको यहाँ पे हेडिंग लिख दे और यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दे, फिर यहाँ पे आपको स्मॉल आई लिख के दे। अब जैसा हमने टेक्स्ट बुक में किया था वैसे ही हम क्लास वर्क बुक में करेंगे। स्मॉल आई है वो फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में होता है।
ये फर्स्ट ब्लू लाइन से हम स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ब्लू लाइन पे छोटा सा कर्व और फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट। ये हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल आई। आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में ही स्मॉल आई लिखना है। तो ऐसे ही हमें स्मॉल आई यहाँ पे लिखना है। बच्चों आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है और मैंने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही लिखना है। और ध्यान रखना ऐसे लाइन में और प्रॉपरली लिखना। ये स्मॉल आई का पेज यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम पेज टर्न करेंगे। मम्मी को बोलना यहाँ पे हेडिंग लिख दे राइट स्मॉल जे और फिर यहाँ पे जे लिख दे। यहाँ पे आज की डेट लिखनी है। अब हमने जैसा टेक्स्ट बुक में किया था वैसे ही यहाँ पे स्मॉल जे करेंगे। स्मॉल जे कैसे होता है? ये फर्स्ट ब्लू लाइन से हम स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, नीचे रेड लाइन पे छोटा सा कर्व और ब्लू लाइन के ऊपर फर्स्ट ब्लू लाइन के ऊपर एक छोटा सा डॉट। जे फॉर जग। बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है साथ में बोलना भी है जे फॉर जग। जे फॉर जग। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल जे ऐसे ही नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। बच्चों फिर आपको यहाँ पे लेना है इंग्लिश होमवर्क बुक। अब हम बुक ओपन करेंगे। यहाँ पे आगे स्मॉल एज का पेज किया था। अब हम दूसरा पेज लेंगे। यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे। मम्मी को बोलना यहाँ पे हेडिंग लिख के दे राइट स्मॉल आई। दो लाइन ड्रॉ कर दे और यहाँ पे लिख दे स्मॉल आई। तो बच्चों हमने आगे स्मॉल आई किया था क्लास वर्क बुक में और टेक्स्ट बुक में, वैसे ही यहाँ भी करना है। फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में स्मॉल आई। आई फॉर इंक पॉट। बहुत ही केयरफुली ध्यान से फर्स्ट और सेकेंड ब्लू लाइन के बीच में। ऐसे ही बच्चों आपको ये पेज होमवर्क में करना है। अब हम पेज टर्न करेंगे। मम्मी को बोलना यहाँ पे भी हेडिंग लिख के दे राइट स्मॉल जे। यहाँ पे आज की डेट लिख के दे और दो लाइन ड्रॉ कर दे और फिर यहाँ पे लिख के दे स्मॉल जे। तो स्मॉल जे भी बच्चों हमने आगे किया था। स्मॉल जे पहले फर्स्ट ब्लू लाइन से हम स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट करेंगे, नीचे रेड लाइन पे छोटा सा कर्व और फिर ब्लू लाइन के ऊपर छोटा सा डॉट। जे फॉर जग। जे फॉर जग। बच्चों स्मॉल जे का ये पेज भी आपको होमवर्क में करना है। तो बच्चों होमवर्क में आपको स्मॉल आई और स्मॉल जे लिखना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। और फिर हम लेंगे यहाँ पे हैप्पी फेसेस। तो बच्चों अब हम कलरिंग करने वाले हैं।
तो आप सब पेज नंबर 22 ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है? स्विम फास्ट। और नीचे लिखा है कलर द स्विमर्स कॉस्ट्यूम टू मैच देयर स्विमिंग कैप्स, कलर देयर बॉडी एज गाइडेड, ड्रॉ गॉगल्स ऑन सम ऑफ देम टू। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है? स्विमर्स में कलरिंग करना है। तो हमें कलरिंग कैसे करना है? पहले तो हमें यहाँ पे ये जो स्विमिंग कैप दी है उसी से उसका यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम है मैचिंग कलर करना है। फिर हमें यहाँ पे बॉडी पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि येलो कलर करना है, तो उसमें हम येलो कलर करेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो स्विमर्स है उसमें गॉगल्स ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें बॉडी पे येलो कलर दिया हुआ है, तो आप सभी को पहले क्रेयॉन बॉक्स में से येलो कलर लेना है। और यहाँ पे ये जो स्विमर की बॉडी है उसमें कलरिंग करना है। धीरे धीरे और ध्यान से लेक बॉर्डर के बाहर कलर ना जाए वैसे ही सिर्फ बॉडी में ही कलर करना है, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे ये स्विमर की कैप है, वो कौन से कलर की है? ब्लू कलर की। तो फिर यहाँ पे स्विमर का कॉस्ट्यूम है उसमें हम कौन सा कलर करेंगे? यस, ब्लू कलर। तो बच्चों ब्लू कलर का क्रेयॉन लेना है और यहाँ पे स्विमर के कॉस्ट्यूम में ब्लू कलर करना है। हम यहाँ पे ब्लू कलर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जैसा कैप का कलर है वैसे ही स्विमर के कॉस्ट्यूम में भी कलर करना है। ये हमने स्विमर के कॉस्ट्यूम में भी कलर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम अब पेंसिल लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? स्विमर के गॉगल्स ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दो आईज दी हुई है, तो यहाँ पे पहले हम ऐसे सर्कल करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा सर्कल हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो सर्कल किया है उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो कान और आंख है उसके बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया स्विमर का गॉगल। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर दिया स्विमर्स का कलरिंग। अब ऐसे ही आप सभी को इंस्ट्रक्शन दी है वैसे कलरिंग करना है। यहाँ पे बॉडी पे येलो कलर, फिर यहाँ पे ग्रीन है तो स्विमर का कॉस्ट्यूम भी ग्रीन कलर का करना है, और जैसे हमने यहाँ पे गॉगल्स ड्रॉ किया था वैसे ही गॉगल्स ड्रॉ करना है।
वैसे ही बच्चों आपको सभी स्विमर्स में कलरिंग करना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे।